आपको अपने बेटे की कैफियत समझ क्यों नहीं आ रही? आपको फातिमा से बात करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि वो अपने भाई को इनकार नहीं करेगी। कैसी बातें कर रही हो? क्यों मेरी बहन को मुश्किल में डालना चाहती हो? मानती हूँ कि आपको अपनी बहन का बहुत ख्याल है, मगर विरसा आपके बेटे की खुशी है और औलाद की खुशी के लिए तो इंसान किसी के आगे भी हाथ फैला देता है। फातिमा तो आपकी छोटी बहन है। इकबाल भाई और शमीम भाभी के इरादों का तो पता है ना आपको, कितने लालची हैं वो। उनकी नजर विरसा के मकान पर है। क्या सोचने लगे, जवाब दीजिए मुझे। ठीक है, मैं करूंगा बात, लेकिन तुम्हारा का इरादा विरसा को बहू बनाने का इसलिए तो नहीं है कि वो मंसूर भाई के अकेली वारिस है? आप मुझे ऐसा लालची समझते हैं? मुझे सिर्फ अपने बेटे की मोहब्बत का एहसास है। मैं उसे इस तरह परेशान और मायूस नहीं देख सकती। मुझे किस मुश्किल में डालती है? मैं अपने अम्मी अप्पू में से किसी एक को भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। मदद कर लेना प्लीज, मेरी आसानियां पैदा करे अल्लाह मियां। क्या बात है मंसूर, आप परेशान लग रहे हैं। कल तुम अपने भाई के घर जाओगी फातिमा। क्यों? तुम्हारी फुप्पी ने तो गैरत बेच ही डाली है। अपनी बेटी का रिश्ता कौन लेकर आता है, और वो भी इतनी बेशर्मी से और ढिटाई से। मेरे सीने पर चढ़ के अपनी बेटी को मेरी बहू बनाना चाहती है, हद है। वैसे मामा बात कहूं क्या? सूबी बुरी लड़की तो नहीं है? चुप कर जाओ, तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो मुझे दोनों बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मगर मामा वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी भाभी बन जाए तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। एमन ठीक कह रही है। पुरानी रंजिशों और लड़ाई झगड़ों को खत्म करने के लिए ये सबसे अच्छा मौका है। आप दोनों को हो क्या गया है? उसकी नजर मेरे किसी फर्नीचर या टीवी पर नहीं है, मेरे इकलौते बेटे पर है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हां करो, लेकिन इनकार भी मत करो। सोचने समझने में कोई अर्ज नहीं है। वैसे मामा वो जुबीना मुझे वकार भाई के साथ बहुत अच्छी लगती है। तुम चुप करो, छोटी हो छोटी रहो, बड़ों के फैसले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। मगर मैंने कहा ना, जाओ यहां से, जाओ। नहीं, तुमने हमेशा मेरी बहन के साथ ज्यादती की। मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा। अगर उसने अपने मुंह से कोई बात की है तो हमें सोचना समझना चाहिए।
और पहली बार मेरी बहन ने मुझसे कोई सवाल किया, और सच्ची बात यह है कि मैं उसे इनकार नहीं करना चाहता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छे वक्त पर आए हो बेटा। भाई हम दोनों तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। आई होप सब अच्छी बातें कर रहे थे। कोई बात नहीं कर रहे थे, तुम जाओ यहां से। रुको, मुझे अपने बेटे से बात करने दो। बेटा जूबी तुम्हें कैसी लगती? ये कैसा सवाल है बाबा? बाबा मेरी कजन है, ऑब्वियसली मुझे बुरी तो नहीं लगेगी, लेकिन बात यह है कि आप ये सवाल किस प्रोस्पेक्ट में पूछ रहे हैं? मुझे लगता है आप ताई जान के सामने कुछ नहीं कह पाएंगे। अब ताई जान तो अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर दे मेरे मौला। विरसा मेरी बात सुनो, देखो बेटा तुम मेरा कुल असासा हो, मेरा गुरूर, मेरा हौसला, और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन एक बात मैं तुम्हें जरूर बताना चाहता हूं। जिंदगी में अगर कभी तुम्हें यूं लगे कि मेरा किया गया फैसला तुम्हारे हक में नहीं है तो अपना दिल मैला मत करना, बस इतना सोचना कि मैं तुम्हारा बाप हूं और मेरे हर फैसले में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई होगी। एक बार तुम्हारी अम्मी मेरी सास को जा, फिर देखना उनका दिल जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगी। हो गया तुम्हारा। अच्छा मुझे काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा सुनो एमन, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, प्लीज प्रॉमिस करो मैं अम्मी और भाई को मना रोगी। नहीं मैं वादा नहीं कर सकती अभी, कहा है ना कोशिश करूंगी और करती रहूंगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं कल कॉल करूंगी फर्दर अपडेट्स के लिए। ठीक है, एक दिन में क्या होगा मेरी बहन, कम से कम तुम मुझे हफ्ता 10 दिन का टाइम तो दो। अच्छा चलो दे दिया एक हफ्ता, ठीक है मगर फॉलो अप के लिए तो कॉल कर सकती हूँ ना। सुबह तुम ना बिल्कुल पागल। वो तो मैं हूँ। अच्छा चलो बाय, बाद में बात करूंगी। बाय मेरी होने वाली नन। बिल्कुल पागल है ये तो।